स्टार इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। हाथरस में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ कई पार्टियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गुंडों को जेल के अंदर किया है। श्रीकांत शर्मा ने कहा, हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव की योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। पहले की सरकार 4 से 5 जिलों को बिजली देने का काम किया करती थी। अखिलेश के 300 यूनिट बिजली फ्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ धोखा देती है, काम सिर्फ बीजेपी करती है। वही कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने की बात जरूर कही, पर अपनी पार्टी के संविधान में धज्जियां उड़ाने के सवाल पर चुप्पी साध गए। पहले ही कहा कि ऐसे लोग जो बिजली देते नहीं थे, जो पूरे प्रदेश को अंधेरे में रखते थे, वो सिगुफा छोड़ रहे हैं, वो झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मालूम है कि वो सरकार में आने वाले नहीं है। चुनाव आयोग आ चुके थे, चुनाव आयोग ने कहा पहले आए थे तो हर साल बिजली के दाम बढ़ाते थे और 4 जिलों को बिजली देते थे, बाकी पूरा जिला अंधेरे में रहता था। हाथरस में उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है और आपको दिखा सकता हूं कि मंत्री जी पूरे यहां आए हुए हैं। ऊर्जा मंत्री ने यहां भाग लिया है और वहीं आप पूरी फील्ड को देख सकते हैं कि जहां कोरोना गाइडलाइंस की यहां बात की गई है उसका कहीं पालन नहीं किया गया है। पूरा एक व्यवस्था देख सकते हैं कि सभी तरह ना कोई मास्क कह सकते हैं मंच में मास्क दिखा है और ना पूरी पब्लिक के अंदर मास्क दिखा हुआ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ शादी के साथ में पूरा उनका आगमन किया गया है, उसके द्वारा कितनी भीड़ लगी हुई है, जहाँ कोरोना गाइडलाइंस की कह सकते हैं पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी तरह से कह सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई है। पीएन शर्मा खबर।